ऑब्स्टिकल ढूंढा जा रहा है, ये थोड़ा टफ ऑब्स्टिकल बताओ। खेल शुरू। वाली ट्रेल पे पार हो सकती गाड़ी? लेके चलेगा ना। हाँ, दो टायर खड़े हो तो पीछे खींच देंगे गाड़ी, जंप मारेंगे, खड़ी हो जाएगी पीछे, वापस समरसॉल्ट मारेंगे। तो बंधवारी में ऐसा हो सकता है ना कभी भी? पांच टॉपर मारे हैं यहीं पे, तीन समरसॉल्ट मारे हैं, दो फ्लिप टॉप किए यहीं पर, वो पीछे वाले कराएंगे, मतलब इसी बंधवारी में ही ना। आपको आपकी गाड़ी ही मारती है। वाली थार पे कोई कमेंट आपका? नहीं तो अल्टीमेट लगे मेरी तरफ और लेफ्ट। अब ये ट्रेल ऐसी है कि शायद यही गाड़ी कर पाए। मैं इतना पलटा हूँ यहाँ भी, इतना टॉपर। ओपन डिफ ही है। बट फॉर्चूनर कितने प्यार से गई, वो इस बार के खेल के आए हैं राजू भाई, इस बार का चैंपियनशिप वो जीत के आए हैं। अब आज इसके लॉकर बताता हूँ, इसमें कौन कौन से लॉकर लगे हुए करके आ रहे फिर साथ ही से इसका मतलब ये तो है। शाबाश गैंग ऑफ थार, वेरी गुड। भाई एक मिनट रोकियो, आगे कब अखिल आ गया, अखिल लीड करेगा अब, अखिल की गाड़ी आगे आगे अखिल की गाड़ी आ गई, सबको मोड़ दे आधी गाड़ी। ये अच्छा कर दिया हुआ सोल ड्राइवर, जा हम चढ़ाएंगे, हमारा चढ़ावे। नो रोड नो प्रॉब्लम। अखिल लीड कर रहा है, उसके पीछे रैप कराई हुई था रही है, पेट्रोल नहीं डीजल है। टायर स्टॉक, रिम चेंज, अलॉय चेंज है। ऑब्स्टिकल ढूंढा जा रहा है, ये थोड़ा टफ ऑब्स्टिकल बताओ। आज एक और सबक मिला कि फर्स्ट लो पे गाड़ी नहीं चलानी है। खेल शुरू। करो हवा कम, इस की टाइम ही दो तीन जानी चाहिए था। इस वाली ट्रेल पे पार हो सकती गाड़ी? एक तो हुआ के रट क्यों बना दी ना, इससे खड़ी हो जाएगी गाड़ी, इसमें बहुत स्मूथली कोई जो दो टायर लेके चलेगा ना। हाँ, दो टायर खड़े हो तो पीछे खींच देंगे गाड़ी, खींच सकती है। और ये जो मोमेंटम लगा के जंप करा के चढ़ाते हैं, जंप मारी खड़ी हो जाएगी पीछे, वापस समरसॉल्ट मारेगी, समरसॉल्ट मारेगी। तो बंधवारी में ऐसा हो सकता है ना कभी भी? पांच टॉपर मारे हैं यहीं पे, तीन समरसॉल्ट मारे हैं, दो फ्लिप टॉप किए यहीं पर, वो पीछे वाले कराएंगे, मतलब इसी बंधवारी में ही ना। बंधवारी के दो ट्रैक हैं, ये B2 कहते थे हम पहले, B1 राइट में। हां हां, तो पहले उसके ट्रैक बहुत अच्छे थे, अब वहां पे सारे पे फार्म हाउसेस और स्कीम्स आ गई हैं, इससे खराब हो गए। एक अच्छा लंबा क्लाइम था, मोमेंटम में मैं ऊपर गया, ताकि जैसे ये है ना सामने बिल्कुल ऐसे ये जाके हिट किया उसने, वॉल बन गई, वॉल में गाड़ी हिट की तो गाड़ी यूं खड़ी हो गई। हां, और लॉकर उसके ऑन थे, लॉकर अपना काम कर रहे हैं तो गाड़ी यूं यूं पीछे पीछे वाले लॉकर यूं कर गए एकदम यूं गाइस, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर उसके बाद दो यूं कर गए, पांच
ऑब्वियसली रोल केज लगा ही होगा। हाँ रोल केज तो था वो भाई, मेरी आरएससी वाली गाड़ी। ये तो यहाँ था आरएससी में तो और भी गंदा पलटा हूँ, केवल 60-70 फीट से 6-7 टप्पे खाता हुआ है, फिर पेड़ में अटक गया। पेड़ में अटकने के बाद गाड़ी मेरी कैन से वापस निकाली और रात को 2 बजे की बात है। बहुत गंदा था मेरा सबसे ज्यादा। कितना भी रोल केज लगा लो थोड़ा रिस्क तो होता है ना। नहीं नहीं नहीं, रोल केज अगर आपकी सीट बेल्ट ना खुले तो आप सेफ हो 100%। आपको आपकी गाड़ी ही मारती है, या आप कहीं पे गाड़ी से निकल के बाहर आते हो पत्थर पे लगेगा सर लगेगा, या कहीं ऊपर से नीचे हाइट से नीचे गिरोगे, वही एक है जो आपको मतलब मार सकती है या आपकी गाड़ी मारेगी। बेल्ट ना खुले। टॉपल होने के बाद गाड़ी में आग लगने का डर होता है? कुछ गाड़ियों में लग भी जाती है, कुछ क्या बहुत बहुत बार लगती है अगर लापरवाही के साथ लग जाती है। आरएफसी में जाओगे तो आपको देखोगे कम से कम 1 वीक का इवेंट है, 1 वीक में 3-4 गाड़ियों आग लग जाती है। पेट्रोल की गाड़ी है सब हाथ की बनी हुई गाड़ी होती है, हैंडमेड है कोई, वो तो है नहीं किसी कंपनी से बन के आती नहीं है। तो टैंक पेट्रोल टैंक में लापरवाही करते हैं लोग? नहीं नहीं, वो तो बहुत व्हील कैप में स्कूटनी वो है एक आइटम है, उसके अंदर तो कोई लापरवाही नहीं होती। तो इनलेट आउटलेट जो भी होता है उसका हिसाब चेक किया जाता है, उसके अंदर पूरी पेट्रोल की भी चेक होता है, रोल गेज होता है, उसके सेफ्टी फीचर्स तो सबसे पहले उसमें देखे जाते हैं, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना। हाँ हाँ, तो आग फिर कैसे लगता है पेट्रोल होने की वजह से? मतलब आग, हाँ आग लगने का कारण क्या है? डीजल की गाड़ी में लग जाती है भाई, आपकी वायरिंग कहीं से स्पार्क कर दी ना। अच्छा। मेरी 2014 में फर्स्ट आरएफसी जो यहाँ पे हुआ था ना, स्टार्ट हुआ था आरएफसी, तो लास्ट वाली स्टेज थी, क्या बोलते हैं उसको, टॉयलाइट जोन था। टॉयलाइट से वापस जब निकल रहे थे तो एक स्टंप था पेड़ के बीच, मुझे दिखाई नहीं दिया, मेरे स्टंप में गाड़ी लगी और उछल गई गाड़ी, उछल में मेरे बैटरी का टर्मिनल निकला, उससे सारी गाड़ी मेरे अंदर आग लगी। डीजल गाड़ी थी, एमडीआई टर्बो इंजन था, जो डीआई टर्बो होता है ना, पुरानी थार में जीप थी, पुरानी जीप, जीप उसके अंदर, वो भी उसकी लापरवाही थी, क्या बोलते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग की इशू था, जिसकी वजह से उसमें आग लगी गाड़ी में। पर उसमें वो बुझाने होते हैं सब, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह था सब। वाली थार पे कोई कमेंट आपका? नहीं तो अल्टीमेट है गाड़ी, अल्टीमेट लगी। पेट्रोल या डीजल या दोनों? तो दोनों ही अच्छी है, पेट्रोल बहुत ज्यादा अच्छी है, पर डीजल भी कम नहीं है। ठीक है, मतलब कोई दोनों में मार्क्स देना 20-21 और 20 इतना ही मान लेता ना। ये देखो, ये तो इतने सारे फीचर इसके अंदर, गाड़ी के अंदर पहले लगता था जोर लगा लगा के उछाल उछाल के चलानी पड़ती जीप, अब तो कंपनी ने जीप ही ऐसी बना दी। राजी चढ़ा रहे हैं? राजी चढ़ाएगा, अब ये तोड़ देना, ठोकर बंडी थी तोड़ के रास्ता बना दिया, वो चली जाएगी। मेरी तरफ सीधा 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 सीधा, बस आराम से लेफ्ट। हाँ आ जा, देखना इस पे नीचे तो नहीं लगती, बिल्कुल आराम से लेफ्ट की तरफ। अरे बंपर तोड़ेगा, तेल टच होगा वापसी ले लूंगा, लेफ्ट तोड़ेगा, गाड़ी की भी सेफ्टी पहले। यार जो मैं पहले कह रहा हूँ उसी ट्रेल पे लाइन अलग ले रहा है। सबक आज का ये है कि गाड़ी वापस लेनी भी आनी चाहिए, कहाँ से चढ़ानी कहाँ से नहीं। ब्रदर राइट लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट और लेफ्ट और लेफ्ट और लेफ्ट। अच्छी खासी ब्रेकिंग लग रही है। अरे आजा सीधा, और भी क्या, अरे टूट गया, अब थोड़ा सा लेफ्ट मोड़ दे, थोड़ी सी लेफ्ट लेफ्ट, अब ब्रेक एक बार फिर तोड़ दबा दिया, थोड़ी सी और लेफ्ट मोड़, चल तो थार से अगर आप ऑब्स्टिकल पार करो ज्यादा सवासी मिलती नहीं कहा जाता है, गाड़ी खुद कर रही है। बट आज कई बार बैक किया तो मजा आया। लेफ्ट मोड,
अब बच्चा बच्चा ऑफ रोडिंग करने लगा तो ये अच्छी बात हुई सर वैसे तो। लोग लेंगे ब्रेक यहाँ पे थोड़ी सी आगे लेके ब्रेक मार ब्रेकिंग बोलते हैं इधर। बस 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 गया तीला तीला गया अब इधर काट बस बस यही यही और राइट इधर काट के उतार दे बस 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 काट के उतार दे बस ब्रेक दोबारा ब्रेक 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 अब आपको फायदा नहीं तीला तो तुमने तोड़ दिया जो तोड़ना तो वही बैक कर ले बस 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 आ जा दोनों में दम लग रहा है वैसे तो यहाँ नहीं यहाँ से तो नहीं जानी चाहिए ऐसे एक किक तो मारना पड़ेगा भाई या दो अगला टायर खड़ा होते फिर खींच देनी एकदम अब खींचे गई 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 राइट लेफ्ट यही है राइट लेफ्ट तो करते ही ना कटी एक किक तो मारना पड़ेगा। अब ये ट्रेल ऐसी है कि शायद यही गाड़ी कर पाएगी देखना मैं खुद एक टीले के ऊपर खड़ा हूँ और वहां से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ उधर से थार उतार रहा हूँ भाई मुझे गाड़ी की छत दिख रही है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं गाड़ी के ऊपर हूँ पीछे ये ऊपर वाले गाइड करो हेलो गाइड करो यहाँ पे समरसॉल्ट हो सकता है गाड़ी वापस पीछे टॉपल हो सकती है इसके ऊपर गए ना तो पीछे आओगे यही बात वो भी कह रहा है इसके पीछे से पलटे ही आओगे पीछे पलटा हूँ यहाँ पे इतना टॉपर हूँ मैं मुझे ही खुद भी याद नहीं यहीं पे यहीं पे भी है आरएफसी में पलटा हूँ बहुत सारी जगहों पे बड़ी सारे टॉपर आरएफसी में तो मैं तीन चार बार पलटा अभी फर्स्ट एसएस वन था स्टेज स्टार्ट की वो कुछ तो मेरे मैकेनिक की कुछ कमी आ गई पहली स्टेज पे जाती गाड़ी पर फर्स्ट स्टेज पे अब कितनी तैयारी करके लगा के 30-40 लाख रुपये आप वहाँ पहुँचो गाड़ी बनाओ उसके बाद पहले दिन ही फर्स्ट स्टेज पर गाड़ी पलट गया क्या कहते हैं तो ये 30-40 लाख का कोई रिटर्न भी है फिर क्यों लगता है पागल बन बताया ना मैंने पागलपन पैशन है उसके आगे कोई पैसे का कुछ हो नहीं है बाकी क्योंकि एक्सपेंसिव वो भी है मैकेनिक है बैकअप है कुक है रहने सहने का है मेरे साथ तो आदमी भी कम से कम 25-30 होते हैं पूरा कुनबा चलता है एक एक या दो गाड़ी यहाँ से बाई रोड भेजता हूँ जिसमें खाने पीने का कुक सामान घी राशन जो भी होता है ना सब यहीं से चल के जाते हैं उसके बाद वहाँ पे गाड़ी तैयार करो हर बार गाड़ी एक बार देखते हैं इनका 10-15 लाख अच्छा गाड़ियां भी तो कई सारी पार्टिसिपेट करती ना फिर क्लब की तरफ ये जो थार वाले भाई हैं ये पुराने हैं ऑफ रोडर ये है काफी पुराने मैं इनकी बात कर रहा हूँ ये दीपेश पहले आता है हाँ ये ट्रैक है
ट्रैक ऐसे ही बनते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेके आ मेरे पास ही आना है सीधा। फिर तो जंप करके आएगी, जंप ही तो नहीं, जंप नहीं कर रही वो, जंप तो अपने आप ही आ जाएगी, प्यार से ही तो लानी है, जंप नहीं करानी, जंप नहीं होगी तो ब्रीच नहीं होगी। अब आया एंगल, इधर एंगल ही गलत था। अरे सीधा मतलब इधर आना है यार, जो भी है मतलब इधर जाना है, हमने उधर को एंगल। ये गाड़ी आज मुझे बहुत टास्क दे रही है। कहाँ से क्या करवाना है भाई, कहाँ से, यहाँ से, ये यहाँ से थार,